ओके स्टूडेंट्स, कैसे देखिए हैं आज की जो हमारी क्लास है वो लेक्चर नंबर 43 है। ठीक है, एडोब फोटोशॉप की क्लास चल रही है 43। और 43 क्लास में, जैसे हमारी क्लास में लोगो सीरीज चल रही है ना, कि इनके लोगो किस तरह से डिजाइन करते हैं, तो आज हम बैकग्राउंड के साथ जो लोगो डिजाइन करने चाह रहे हैं वो है पेप्सी लोगो। देखिए, पेप्सी के दो लोगोज आए, दो तरह के पेप्सी के लोगो चल रहे हैं। एक पेप्सी का ओल्ड लोगो चल रहा है और एक पेप्सी का न्यू लोगो चल रहा है। और इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बनाया था स्टर्निंग फोटो मोजाइक पोर्ट्रेट स्टाइल। इस इफेक्ट को भी इस क्लास में इंक्लूड रखेंगे, यानी पहले लोगो बनाएंगे, फिर लोगो बनाने के बाद फिर ये इफेक्ट हम क्रिएट करेंगे। अच्छा, पेप्सी के दो स्टाइल है यहाँ पर। पेप्सी का एक पुराना लोगो था, आजकल एक न्यू लोगो चल रहा है। तो नया लोगो, पुराना लोगो, देखें पुराना लोगो ये था, पहले हम ये बनाएंगे, फिर सेकंड क्वेश्चन में हम कौन सा लोगो बनाएंगे, ये वाला। इसको मैं खुद से बनाऊंगा, इस लोगो को मैं एंकर टूल की मदद से ड्रॉ करना बताऊंगा। क्या बताऊंगा मैं? ड्रॉ करना, यानी कि इसको ड्रॉ करके किस तरह से बना सकते हैं। क्लियर है? तो चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाला लोगो सेम एज इट इज क्रिएट करते हैं जी, ये लोगो आपके सामने। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम जाएंगे फाइल पर, एज यूजुअल न्यू। भाई जो 1600x1600 के ऊपर हम लोग काम करते हैं, ठीक है, तो हमारा बैकग्राउंड साइज क्या होगा, 1600x1600। ठीक है, तो हम अपना कैनवस साइज 1600x1600 ही रखेंगे। ठीक है, रेजोल्यूशन वैसे ही सब कुछ, एंड दैट्स ओके। ठीक है, अच्छा, इस लोगो को बनाने के लिए, पेप्सी का ये जो लोगो क्रिएट करना है, इस लोगो को बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, देखिए ऊपर रेड है, नीचे क्या है, ब्लू है। ठीक है, तो इस लोगो को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम कर लेंगे यहाँ से न्यू लेयर। क्या लेंगे हम? न्यू लेयर। या यहाँ पर हम एक काम करते हैं, हम तीन कलर का बैकग्राउंड बना लेते हैं। पहले क्या बना लेते हैं, पहले हम बैकग्राउंड बना लेते हैं, उसके ऊपर इफेक्ट दे देते हैं, एक इफेक्ट देते हैं छोटा सा, जैसे वाटर इफेक्ट्स होता है ना। तो हम यहाँ पर एक बैकग्राउंड बना लेते हैं और तीन कलर्स में बैकग्राउंड बनाते हैं। जैसे ये लोगो जो है रेड में है, व्हाइट में है, और किस में है, ब्लू में। तीन कलर्स में हम लोगो का डिजाइन कर लेते हैं, जैसे ग्रेडियंट में हम तीन कलर का बैकग्राउंड डिजाइन करते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ आ जाते हैं थर्ड वन। थर्ड वन कलर पे आने के बाद पहला कलर जो है उसके बीच में करते हैं। फर्स्ट कलर कौन सा है? फर्स्ट कलर है रेड। कौन सा है? फर्स्ट रेड है, तो हम यहां पे ले लेते हैं रेड कलर। सेकंड है हमारे पास कौन सा कलर? ब्लू कुछ इस टाइप का है, चले ब्लू भी ले लेते हैं। और इन दोनों के बीच में हमें कौन सा कलर ऐड करना है? तीसरा व्हाइट कलर। ठीक है ना, तो व्हाइट कलर कैसे ऐड करेंगे, देखिए यहां पर नजर आ रहे फिंगर, क्या नजर आ रहा है फिंगर, इस फिंगर को हल्का सा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक न्यू कलर ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप अगर नीचे लेकर आएंगे इस कलर को तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप रेड की तरफ लेकर आ रहे हैं और हल्का सा लेफ्ट क्लिक को दबाते हुए यहाँ लेकर आ रहे हैं तो फिर ये इस तरह से निकल आएगा। ठीक है, तो आप इसके बीच में आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ से व्हाइट कलर बना, तो ये तीन कलर्स बन गए हमारे पास, ऐसा ही है ना। अब ये तीनों कलर्स बन चुके हैं हमारे पास यहाँ से देख। ठीक है, उसके बाद सिंपल हमने ओके कर देना है और यहाँ शिफ्ट दबाकर जो स्ट्रेट इसका ड्रॉ कर देना इस तरह से। आ गया ये कलर, कलर आ गया ना। अब इस कलर्स पे हम जरा से यूज कर लेते हैं। अब इस कलर पे सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें इसके ऊपर थोड़ा सा जैसे होता है ना पानी का ड्रॉप कतरा, छोटे छोटे पॉइंट वो लेकर आने हैं। तो उसके लिए हम फिल्टर में जाके कहाँ जाएंगे, फिल्टर गैलरी, यानी बैकग्राउंड बना लेते हैं, उसके बाद हम लोगो क्रिएट करेंगे तो हमें बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अभी हम बैकग्राउंड डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, लोगो डिजाइन नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं बैकग्राउंड। तो हम फिल्टर में जाके फिल्टर गैलरी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहां से हम चले जाएंगे मोजाइक टाइल, यहां से आप टेक्सचर में मोजाइक टाइल पे क्लिक कर दीजिए, तो ये कुछ इस तरह से मोजाइक टाइल आ जाएगा। ठीक है, इसकी साइज को आपने बिल्कुल क्या कर देना है, 70 है ना, आपने इसको कर देना है बिल्कुल जीरो। क्या कर देना है,
टू कर दीजिए, क्या कर दीजिए टू, साइज क्या कर दीजिए टू, ठीक है। ग्रोथ विथ को थोड़ा सा आप आगे की तरफ बढ़ाएं, यहां देखें जैसे ही ग्रोथ विथ को आप बढ़ाते हैं तो यहां से हल्का सा पानी के ड्रॉप्स आने शुरू हो गए या नहीं हो गए, क्रिएट हो गया ना, जैसे वाटर का हल्का सा इफेक्ट होता है। तो इसको जितना बड़ा करेंगे आप उतना ज्यादा आएगा, थोड़ा सा हम ऐसे नॉर्मल लगाते दिखाते। तो ऐसे पानी का इफेक्ट हमने बनाने की कोशिश की, तो हल्का से ये वाटर ड्रॉप्स नुमा हमने हल्का के पॉइंट्स वगैरह बना दिए। उसके इसके ऊपर लाइटिंग थोड़ा सा इफेक्ट्स भी दे देते हैं, थोड़ा सा लाइट कर देते हैं हमने कहा, थोड़ा सा ज्यादा नहीं नॉर्मल लाइट कर दे। यानी कि क्या करेंगे आप, टाइल्स इसका आप टू रख दें, ठीक है। ग्रोथ पिच जो है ये आप अपनी मर्जी के मुताबिक रख लीजिएगा, कितना बड़ा कितना डिस्टेंस चाहिए, वैसे नॉर्मल 5 रखिएगा तो ज्यादा बेटर है मेरी नजर में। उसके बाद लाइटिंग आप इसको जितना चाहे बढ़ाना चाहे, लाइटिंग आप इसकी 3 कर दें तो ज्यादा बेहतर, यानी कि 2, 5, 3 एंड दैट सिंपल। ओके क्या कर देंगे, कर दो ओके। जैसे ही ओके करेंगे आराम से उतार लीजिए, कोई इशू नहीं है। टेक्सचर में मोजाइक टाइल में टाइल साइज 2, ठीक है, ग्रोथ विथ 5 एंड लाइटिंग 2। अच्छी तरह से इसको देख कर प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। पहले हम बैकग्राउंड बना रहे, ओके कर देते हैं। यहां देखिए, यहां आ गया ना कुछ वाटर का इफेक्ट। अब हमें लोगो बनाना है, क्या बनाना है हमने, अब हमें ये पेप्सी का लोगो क्रिएट करना है ये वाला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक न्यू लेयर लेंगे, इसका नाम लिखेंगे व्हाइट ओवल। क्या लिखेंगे हम, इसको हम रेड ओवल कर देते हैं, कोई इश्यू नहीं। यहां से हम रेक्टेंगल मर्की टूल है ना हमारे पास, एलिप्स टूल, इसको पाथ में लेके इसको यूं बड़ा सा ड्रॉ कर देते और यहां से इसको बंद कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल इंटर करेंगे, इसका कलर जो है ना, इसका कलर इसको हम कर देंगे पेन बकेट टूल से पकड़ के डार्क रेड। क्या कर देंगे, रेड डार्क रेड ले लीजिए, कोई इश्यू नहीं। आ गया, कंट्रोल डी कर लीजिए, यहां पे कलर रख लीजिए बीच में, क्या कहां रख लीजिए बीच में, क्लियर है। थोड़ा सा उठा लीजिए, कोई इश्यू नहीं। अब ये आ गया रेड ओवल, इसका नाम क्या दे दीजिए, रेड ओवल, क्लियर है। उसके बाद हमने क्या करना है जनाब, हमने करना ये है कि यहां पर एक व्हाइट कलर की लहरें चल रही होती है जैसे पानी की, ये लहरें बनानी, ये व्हाइट वाली लहर, ठीक है। कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है, हम लेंगे एक न्यू लेयर और यहां पे लेंगे हम एक व्हाइट राइट एंगल, व्हाइट राइट एंगल टूल। कैसे लेंगे जनाब व्हाइट राइट एंगल टूल, यहां से हम लेंगे रेक्टेंगल टूल, नजर आ रहे हैं यहाँ पे, रेक्टेंगल टूल लेने के बाद यहां से बाहर से इस तरह से इतना बड़ा, इतना बड़ा साइज है ना, यहां से यानी दोनों तरफ से बाहर करके इसको इस तरह से ड्रॉ करें, क्लियर। कितने एंकर्स आ रहे हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4, इसके बीच में एंकर ऐड करना है तो कहां करेंगे पता है ना, एड एंकर पॉइंट टूल से यहां बीच में क्लिक करेंगे और यहां से ये नजर आ रहा है, बीच में क्लिक करने के बाद ये डंडा इसको यूं करेंगे थोड़ा सा इस तरह से, लहर बन गई भाई, लहर बन गई ना, यूं नीचे करेंगे, ठीक है, क्लियर। अब इसको यहां नीचे से भी एक एड एंकर टूल से इसी के साथ यहां बीच में एंकर एड करेंगे और यहां से भी लहर बन गई या नहीं बन गई, बन गई लहर, इंटर करेंगे, सॉरी इंटर कर दिया मैंने, कंट्रोल इंटर करना पड़ेगा, थोड़ा सा गैप चाहे तो आप यहां से ही देखते हैं, ठीक है। कंट्रोल इंटर करेंगे तो ये सिलेक्शन हो जाएगी, हो रही है सिलेक्शन। क्या करेंगे, पेन बकेट से व्हाइट कलर दे देंगे, अच्छा रेड कलर आ रहा है ना, हम पेन बकेट से क्या दे देंगे इस पे व्हाइट कलर। भाई यहां तक क्लियर है, क्लियर है ना। अब इसको हम क्या कर देंगे, अब इसको हम क्लैपिंग मास्क करके इसके अंदर डाल देंगे, राइट क्लिक करिए तो ये नीचे वाले लेयर के अंदर आ जाएगा, यहां देखिए इसको इसके अंदर डाल देना है ना, राइट क्लिक क्या कर देंगे, क्लैपिंग मास्क कर देंगे, ये इसके अंदर आ गया, लहरें थोड़ी है दोनों, ठीक है ठीक है। शिफ्ट दबाकर दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल टी किया, थोड़ा सा घुमा लिया, ये देखिए क्यों आ गई लहर, ऐसी था ना लहर, ऐसे ही था ना, आप इन दोनों को शिफ्ट से एक साथ सिलेक्ट किया हुआ है ना, इंटर करके थोड़ा रोटेट करके आप क्या कर दीजिएगा, लेयर में जाए क्या कर दीजिएगा,
कर दीजिएगा, मर्ज लेयर कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, मर्ज लेयर। क्लियर, एनी प्रॉब्लम, आप इसको मर्ज लेयर कर दीजिएगा। अब ये देखें यहां पर आ गई, अब यहां देखें यहां पे लोगों का कलर ऊपर रेड है और नीचे क्या है व्हाइट, सॉरी ऊपर रेड है नीचे ब्लू है, तो आप इसको नीचे वाले को ब्लू करना चाहते हैं तो आपने कुछ नहीं करना है, यहां से आना है पेन बकेट टूल में मैजिक वेंड टूल और इसके ऊपर क्लिक कर देना, तो सिर्फ यही पार्ट सिलेक्ट होगा ना, सिर्फ यही पार्ट सिलेक्ट होगा ना, ऐसा है या नहीं है, ठीक है, सिर्फ यही पार्ट सिलेक्ट होगा, आपने कुछ भी नहीं करना है पेन बकेट टूल से, इसके अंदर ये वाला ब्लू कलर कर देना। बन गया पेप्सी, पेप्सी बना या नहीं बना, बन गया, कोई इश्यू तो नहीं है, कोई फड्डा तो नहीं है, किसी को कोई फड्डा नहीं है। उसके बाद अब ये पेप्सी का लोगो बन चुका है, अब इसका नाम देते हैं पेप्सी लोगोस, ठीक है। अब थोड़ा कंट्रोल टी से इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, अब इसके ऊपर इफेक्ट दीजिएगा, क्या लगाना है आपने, इफेक्ट्स, इफेक्ट लगाने के लिए, यानी कि ये बोस भी तो हुआ हुआ है ना, क्या हुआ हुआ है यहां से, इनबॉक्स, बेवल इनबॉक्स हुआ हुआ है, तो इनबॉक्स कैसे करेंगे, राइट क्लिक, कहां जाएंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन पता है ना, ये तो कहां आ जाएंगे, सिंपल बॉस करने के लिए बेवल इनबॉक्स पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले हम बढ़ाएंगे इसकी साइज, क्या बढ़ाएंगे, ये देखे साइज बढ़ा रहे, साइज के साथ साथ हम इसके डेप्थ भी बढ़ाते हुए जाएंगे। अच्छा यहां से कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि व्हाइट है ना, तो यहां से सॉफ्ट लाइट हुआ हुआ है नीचे से, तो हम इसको आप मल्टीप्लाई करें जरा, यहां देखें और इसको ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को यहां से जो सॉफ्ट लाइट और हाइट लाइट दोनों को आप नॉर्मल कर दें, बल्कि नॉर्मल कर दें, आप कर दें इसको दोनों को नॉर्मल, छोड़ दें मल्टीप्लाई। अब आप यहां से देखें साइज बढ़ा रहे हैं तो साइज बढ़ रही है, आप इसके डेप्थ को थोड़ा छोड़ दें, थोड़ा सा डेप्थ को आप इसकी डेप्थ को कर लीजिएगा 120, क्या कर लीजिएगा 120 डेप्थ कर लीजिएगा, साइज को थोड़ा बढ़ाइए थोड़ा, ये देखें साइज वैसे ही हो गया जैसा हुआ था, साइज को कर दीजिएगा पूरा 250, क्या कर दीजिएगा 250, और डेप्थ को थोड़ा मजीद कम करेंगे, बल्कि डेप्थ को आप कर दीजिए 60%, 60 कितना कर दीजिए, डेप्थ को कर दीजिए आप 60 या और ज्यादा 55 करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, आप 55 कर दीजिए, डेप्थ को कर दीजिए 55, मैं बता रहा हूँ, बेवल इनबॉक्स पे क्लिक करेंगे डेप्थ को कर देंगे 55, क्लियर, क्या कर देंगे डेप्थ को 55, साइज को कर दीजिएगा 250, साइज को कर दीजिएगा 250, साइज को 250 करना है, 250 करने के बाद सॉफ्टन चेक कर लीजिएगा, सॉफ्टन में सॉफ्टन छोड़ दीजिएगा, सॉफ्टन जीरो रहने दीजिएगा, ठीक है सॉफ्टन को जीरो रहने दीजिएगा, सॉफ्टन के बाद हाईलाइट और हाईलाइट को हाईलाइट मोड और शेडो मोड इन दोनों को नॉर्मल कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा नॉर्मल, और इनको 100% यहां से सिर्फ एक काम कीजिएगा, जो आपका शेडो मोड है ना इसकी ओपेक्सिटी कम करके, इसकी ओपेक्सिटी कम करके जनाबे आली आप कर दीजिएगा 70, कितनी कर दीजिएगा 70, जी जी है शेडो मोड, शेडो मोड की ओपेक्सिटी को 70 करके आप सिंपल कर दीजिएगा यहां से, ये बन गया है ना, ओके और कुछ नहीं देना है इसमें, ठीक है आप पे कुछ भी नहीं देना, आप पे कर देना है सिंपल क्या, ओके क्या कर देना है, ओके कर देना। अब ये लोगो देखे तैयार हो गया, तैयार हो गया नहीं हो गया, लोगो तैयार है, अब लोगो के साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पेप्सी, अब आप पेप्सी भी लिखते हैं एम्पैक्ट में लिखते हैं, आप ये देखो टेक्स्ट ले आप, इसमें लिखा हुआ है ब्लू कलर में, आप ब्लू कलर में इम्पैक्ट लिखा हुआ है यहां से, ये देखिए कौन सा है थोड़ा बढ़ा लीजिए, ठीक है कलर ब्लू ले लीजिए, नजर तो नहीं आएगा, इसको बोल्ड है, आप कोई दूसरा कलर ले लीजिए, इसको आप एरिया ले लीजिए,
वेरियल के साथ इसको वोलेटाइल एक्सचेंज, ठीक है, और कंट्रोल टी करके इसको फिलहाल कंट्रोल टी शिफ्ट के साथ इसको यहां लेकर आइए फिलहाल ऊपर। पेप्सी आ गया। अब इस पेप्सी के साथ आपने क्या करना है, पेप्सी को थोड़ा छोटा करना है यहां से, ठीक है। अब राइट क्लिक करना है इसके ऊपर, ब्लेंडिंग ऑप्शन इसको ले लीजिएगा, बाद में फाउंड कर सकते हैं इफेक्ट, इसके ऊपर भी आप वैसे ही लगा दीजिएगा बेवल इनबॉक्स, ये आप खुद भी चेक किया करें आप लोग। ये देखें साइज को बढ़ाए, सबसे पहले साइज पूरी है ना, इस तरह से साइज रख लें, अपनी मर्जी से डैप रख लें, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, अपनी मर्जी से डैप। अब ये हो गया ना डैप, हल्का सा क्या लगाते हैं इसके ऊपर, यहां देखिए हल्का सा ड्रॉप शेडो लगाते हैं, हल्का सा ड्रॉप शेडो को इस तरह से निकाल लें इस तरह, ठीक है, यू ड्रॉप शेडो को यहां से, देखा ड्रॉप शेडो को यहां से ब्लेंड मोड को नॉर्मल कर दे, इसको व्हाइट ले लीजिए भाई, व्हाइट रखा हुआ है ना वो, अच्छा व्हाइट के बाद डिस्टेंस को थोड़ा सा नॉर्मल कर लीजिए, चलिए ऐसे कर लीजिए, स्प्रेडिंग बढ़ा दीजिए इसकी, इसको थोड़ा सा यू कर लीजिए, यू इस तरह से, यू इस तरह से, इस तरह से, और स्प्रेडिंग के बाद स्प्रेडिंग थोड़ा सा मजीद और बढ़ाइए। हाँ आप यहां से माउस से भी पकड़ के इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ट्रैक करेंगे तो हो जाएगा, साइज बढ़ा दीजिएगा तो साइज में मजीद इस तरह से साइज बढ़ जाएगा। नहीं नहीं स्टॉक नहीं, ड्रॉप छेड़ो, ड्रॉप छेड़ो, इसकी स्प्रेडिंग बढ़ा के थोड़ा सा इसको यू कर दे, और पेप्सी का आपको तो पता ही है ना, हल्का सा शेडो आप बढ़ाएंगे, हल्का सा बढ़ा के आप क्या कर दिए यहां से इसको देखिएगा, एक नई चीज बताऊंगा, आप इसकी नॉइस बढ़ा दीजिए, क्या बढ़ा दीजिए इसकी, यहाँ देखिए बढ़ाई नॉइस बढ़ गया है, ये ऐसे ही होता है ना, नॉइस बढ़ाने के बाद यहां से एक नई चीज लगा दी, नजर आ रहा है क्या लिखा हुआ है, ये क्वालिटी में क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रास्ट, यहाँ पे आगे क्लिक करके कॉन्ट्रास्ट चेक कीजिए किस किस तरह इफेक्ट देगा, ये दे रहा है इफेक्ट, दे रहा है इफेक्ट, इसमें से आपको जो सेट लगे आप वो अप्लाई करें, जैसे मुझे ये सेट लग रहा है, ठीक है, और यहां से एक मिनट, ये देखो कैसा है, और आप इसको ओके कर दो। अच्छा यहां से एक चीज और कर दी है, चलो बेवल बॉक्स पे आए, यहां से जैसे ब्लैकनेस बहुत ज्यादा दी हुई है ना यहां, इसको थोड़ा लाइट कर दो और इसको सिंपल ओके कर दीजिए। अब इसको यहां से बंद करें, यहां से पेप्सी को पकड़े, अब लगाएं आप, अब थोड़ा छोटा करें कंट्रोल टी करके, कैसा है, बन गया पेप्सी का लोगो। अब आप इसके ऊपर कट आउट कर सकते हैं, अब आपके ऊपर ऑप्शंस है ना कि आप किस तरह कर सकते हैं, देखें आप यहां से राइट क्लिक करें, टेक्स्ट में ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाए, खेलते रहे, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल आपकी मर्जी है, बिल्कुल, ये देखें यहां से मैंने लगाया हुआ है, यहां से आप कट आउट कर ले, यहां से आप कर ले, आ रहा है, ये देखें ये आ रहा है, अब ये डिजाइन बन गया। अब आप इसको क्या करें, फाइल पे जाएं, क्या करें, सेव कर ले, ठीक है, और चाहे तो आप इसको फुल स्क्रीन पे भी दिखाएं, बन जाएगा ऐसे लोगो, बन जाएगा, जल्दी से बना कर दिखाएं, शाबाश, बिल्कुल डाल सकते हैं, डाल के दिखाइए, ठीक है,